तो जो सबसे टाइम टेकिंग वाला काम कैप्सिकस वो हो गया रेडी, और अभी बजा है टाइम 12। मुझे 3:30 के अंदर 4 केक और कपकेक्स रेडी करना है, और उसके साथ एक बनाना वॉलनट लोफ भी रेडी करना है। रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंप्लीट किया था, जिसमें से एक आइटम था ना व्हाइट फॉरेस्ट केक्सिकल्स। तो आज हम देखेंगे मैंने कैसे उतना बड़ा ऑर्डर केक्सिकल्स का कंप्लीट किया था, और उसका प्राइसिंग देखेंगे, उसका पैकेजिंग देखेंगे, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है वो भी देखेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन केक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो जरूर लाइक दीजिए, एंड चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट फॉरेस्ट कैक्सिकल्स बनाना है तो सबसे पहले मैंने एक बोल में व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को लिया है, और इसको अब माइक्रोवेव में मेल्ट करना है 30-30 सेकेंड्स इंटरवल में। एक साथ टाइम ज़्यादा नहीं देना है, 30 सेकेंड्स में पहले दीजिए, स्टर करिए, देन अगेन 30 सेकेंड्स दीजिए। अगर फिर भी मेल्ट नहीं हुआ है तो फिर 10 सेकेंड्स आप दे सकते हो। तो मेरा 30-30 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट टोटल में मेल्ट अच्छे से हो गया है। और व्हाइट चॉकलेट रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ना मैं आपको आगे बताऊँगी। अब ये जो चॉकलेट को मेल्ट किया ना, इसको एक पाइपिंग बैग में ले लिया है, और केक्सिकल्स मोल्ड को ना पहले अच्छे से क्लीन करना है। एक सूखा वाला ड्राई वाला किचन टॉवल ले लीजिए, या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन करना है। ये क्यों करना है मैं आगे वो भी बताऊंगी। और लेके ना क्लीन करने के बाद इसके अंदर चॉकलेट को पोर करेंगे, और रोटेट करते हुए अच्छे से कोट करेंगे। ओके, ये कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और अच्छे से आप रोटेट करिए, और हर कॉर्नर में ना चॉकलेट अच्छे से लग जाना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको आप निकाल दीजिए, ऐसे आप उल्टा कर दोगे ना मोल को तो एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाएगा। निकलने के बाद एक स्क्रैपर से या फिर एक नाइफ से, किसी से भी, इसका जो एजेस है ना उसको क्लीन करेंगे। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत नहीं भी होगा तो मैं आगे आपको बताऊँगी इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। बट क्लीन कर लेंगे ना तो काम आगे ईजी हो जाता है। और ये इसको अभी फ्रिज में रख देंगे 15-20 मिनट्स सेट होने के लिए। जब तक ये सेट हो रहा है, इसका जो अंदर का फीलिंग है ना वो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है जो चॉकलेट स्पॉन्ज, और उसको ऐसे हाथ से आप क्रम्बल कर लेना है। ओके, और इसके अंदर डालना है चॉकलेट गनास। हाथ को क्लीन कर लीजिए और इसको अच्छे से नीड करिए। तो बहुत ज़्यादा भी मत ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, और बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और कम भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं मोल्ड को निकाल के ले आई हूँ कैप्सिकल्स का, और आप देख सकते हो एजेस में मैं चॉकलेट को अगेन लगा रही हूँ, ठीक है, कोटिंग कर रही हूँ। ये इसके लिए, क्योंकि सेंटर में तो वैसे भी सारे चॉकलेट्स जाके जमा हो जाएंगे, एजेस पतला हो जाएंगे, तो जब आप इसको निकालने जाओगे ना डिमोल्ड करते टाइम, वहाँ पे क्रैक होने का चांस रहता है। तो एजेस को अच्छे से कोट करना है, ओके। और अगेन इसका जो साइड से क्लीन कर लेंगे स्क्रैपर की हेल्प से, और इसके अंदर ना अभी ही एक एक केक्सिकल्स का ऐसे ना स्टिक आता है उसको लगा देंगे। और लगाने के बाद इसके अंदर जो केक का हम लोग ने मिक्सचर रेडी किया था, केक एंड गनास का, उसको फिल करेंगे। ओके, फिल करने के बाद अच्छे से प्रेस करिए, हर तरफ से जाना चाहिए, और अगेन इसके ऊपर अब कवर कर देंगे चॉकलेट से। और पाइपिंग बैग से करने से गाइस बहुत इजी हो जाता है। तो अगेन आप देखो, मैं साइड से पहले शुरू कर रही हूँ, देन बीच के पोर्शन आ रही हूँ। साइड्स को हमेशा अच्छे से कवर करिए, नहीं तो वहाँ से फिर वो गैप दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सब में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा स्मूथन अप कर लीजिए, पैलेट नाइफ लीजिए या फिर कुछ भी स्पैचुला लीजिए या फिर स्पून ले लीजिए, और इसको अब रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए हाफ एन आवर तक। ओके, हाफ एन आवर के बाद ना इसको निकालेंगे फ्रिज से और स्लोली इसको डीमोल्ड करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। और इसका साइन आप देख सकते हो, ये इसके लिए, क्योंकि जो मोल्ड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लीन किया था उसके लिए। ओके, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट साइड में लगा रहेगा ना गाइस, उसको ट्रिम कर देना है एक नाइफ के हेल्प से या फिर एक सीजर के हेल्प से। तो कितना सुंदर ये दिख रहा है। तो और एक बैच भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे केक्सिकल्स बनाने थे, अराउंड 16-17, और एक बार में आप देख सकते हो बन रहा है कितना, 4 बन रहा है। तो ये टाइम भी काफ़ी जाता है। मैंने वीडियो में भी पहले ना, मेरा जो वो वीक केक ऑर्डर का वीडियो अगर देखा होगा ना, वहाँ पे मैंने बोला था बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और बहुत चॉकलेट का काम ना खिचपिच वाला होता है। तो मैंने जैसे शुरू में एक बात बोली थी ना कि वाइट चॉकलेट रिलेटेड एक बात मुझे आप लोगों को बताना है कि गाइस, जब भी आप चॉकलेट का काम करो, वाइट चॉकलेट का स्पेशली ना,
तो फ्रेश चॉकलेट ही लेके आइए मार्केट से और पैकेट ओपन करके उसको इमिडिएटली यूज़ करिए। अगर बाई चांस चॉकलेट आपका बहुत दिन रह गया है घर में ना, तो फिर वो चॉकलेट मेल्ट होने में बहुत टाइम जाता है और मेल्ट होता भी नहीं है अच्छे से। आप देखो कभी ट्राई करके, व्हाइट चॉकलेट आके घर पर रखो, 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर आप काम करो ना, बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं होगा। ओके, तो सारे केक्सिकल्स बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट ऐसे ड्रिजल कर लिया। ड्रिजल करने के बाद ना इसको स्प्रिंकल से ऐसे मैं डेकोरेट करूँ। तो आप अपने मन से ड्रिजल करो, कैसे भी वाइट चॉकलेट लो, डार्क चॉकलेट लो, और कैसे भी आप उसको डेकोरेट करो। तो कुछ को तो मैंने सिल्वर वाला जो पर्स था उससे किया, कुछ को गोल्डन में किया और ये रेडी हो गया। अब चलिए इसका करते हैं पैकेजिंग। तो मार्केट में आपको बहुत ईजीली ऐसा पैकेजिंग मटेरियल मिल जाता है, इसको आप पैकेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज मैंने कितना लिया, उससे ज़्यादा आप कितना ले सकते हो पहले मैं वो बताती हूँ। इसका प्राइसिंग आप 50 से ले के 100 के अंदर तक रख सकते हो विथ ऐसा इंडिविजुअल पैकेजिंग, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं गाइज, और बनाने में भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैंने लिया था एक केक्सिकल्स का 90 रुपीज़, एंड उसका पैकेजिंग का मैंने अलग से चार्ज किया था। ओके, और अब इसके ऊपर एक ऐसा स्टिकर लगा देंगे एंड बस रेडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।